पॉडकास्ट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिनों यह बात कही थी और उपेंद्र कुशवाहा के इस बात को जदयू के सभी नेता मान लिए हैं। कल हुए राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से यह बात मान लिया गया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। जी हाँ, तो आपको बताने के लिए बैठे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार कैसे पीएम बनेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ जो हैं तेजस्वी यादव से भी बढ़ी थी और याद ही होगा पीएम मोदी से मिलने के बाद बार बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को धन्यवाद कर रहे थे और नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे कि इन्हीं के कहने पर तो पीएम मोदी से मिलने आए हैं। मतलब जितना क्रेडिट है सब तेजस्वी को दे रहे थे। उस वक्त भी खूब चर्चा हुई थी कि तेजस्वी और सीएम नीतीश की नज़दीकियाँ कोई नया गुल खिलाएगा क्या, इस तरह की बातें सामने आई थी। आज एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक चर्चा तेजी से हो रही है कि क्या बिहार का जो समीकरण है वो बदलने वाला है, क्योंकि केसी त्यागी और उपेंद्र कुशवाहा एक दूसरे से मुलाकात किए हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कही है। पूरी बात जानते हैं अनुराग से कि आखिरकार मुलाकात के बाद क्या कुछ बात हुई और पीएम कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि पीएम कैसे बनेंगे, हम इसी पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि आखिर पीएम कैसे बनेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा, जैसा कि आपने कहा कि पद उनका लगातार पार्टी में बढ़ता चला जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष भी हैं जेडीयू के, और उन्होंने जो कहा कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार, पिछले दिनों कहा था और उनकी इस बात को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुहर लगा दिया गया और कह दिया गया कि नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल है और नीतीश कुमार में वो सारे गुण हैं जो देश के पीएम में होने चाहिए। यानी सीधे सीधे अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया गया नीतीश कुमार को पार्टी की तरफ से। और अब जो है आज जो बयान दिया कुशवाहा ने तो वो बड़ी खास बात है, और जो बात उन्होंने कही है और उस बैठक के बाद गुप्त बैठक हुई क्योंकि बंद कमरे में बात हुई त्यागी और कुशवाहा की, और उसके बाद जो बातें उन्होंने कही तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं जो बातें कहता हूँ यूँ ही नहीं कहता हूँ, कुछ लोगों को बुरी जरूर लगती है लेकिन जो बात मैं कहता हूँ वो बात सिद्ध होती है। तो स्नेहा, तो उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार पीएम बनेंगे तो आखिर बनेंगे कैसे, क्योंकि बीजेपी से तलखियाँ तो दिख रही हैं साफ साफ, बीजेपी के साथ लड़ाई जो है लगातार दिख रही है। भले ही सत्ता में एक साथ हैं, दोनों सत्ता में साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हर मुद्दे पर विवाद खड़ा हो रहा है। बीजेपी बार बार नीतीश कुमार को नीचा दिखाने से बाज नहीं आ रही है। अभी हालिया घटना की चर्चा करें, हालिया घटना आरा में क्या हुआ, आरा में आर के सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कार्यक्रम रखा और वहाँ से दिल्ली से भी केंद्रीय मंत्री जो हैं नितिन गडकरी वो जुट गए, लेकिन जो पोस्टर लगाए गए उसमें तमाम बीजेपी के नेताओं को जगह दिया गया। बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है बिहार में तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी समेत जो तमाम नेता हैं वो चेहरे उनके दिख रहे थे लेकिन नीतीश कुमार नदारद थे। स्नेहा, ये छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि ये कार्यक्रम एक सरकारी कार्यक्रम था और सरकारी कार्यक्रम में आप सूबे के मुखिया, सीएम है नीतीश कुमार और सूबे के मुखिया को इग्नोर करते हैं तो ये बड़ी बात है। और बार बार कहीं इसी तरह के संकेत बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं, पहले भी कई तरह की बयान दिया मतलब हो रहे हैं, दिखाया जा रहा है नीतीश कुमार को, उनको दिखाया जा रहा है कि वो थर्ड नंबर की पार्टी है और हम बड़ी पार्टी है एनडीए के। सही कहा आपने कि बौना दिखाने की कोशिश हो रही है, आखिर 74 सीटें हैं बीजेपी के पास, नीतीश कुमार बेचारे उनके पास 40-42 सीटें हैं, बेचारा इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि सियासत में बीजेपी की नजरिए से अगर कहें तो वो बेचारा समझ रही है नीतीश कुमार को, हालांकि नीतीश कुमार सियासत के कोई छोटे मोटे खिलाड़ी तो है नहीं। और नीतीश कुमार के लिए जिस तरह से पीएम मटेरियल की बात हो रही है तो यूँ ही नहीं हो रही है स्नेहा, पीएम मटेरियल तो हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर वो पीएम बनेंगे तो कैसे बनेंगे, क्योंकि बीजेपी तो कह चुकी है कि पीएम मोदी ही है और आगे अब कोई पीएम की वैकेंसी है ही नहीं, तो बीजेपी के साथ रहते हुए पीएम तो शायद वो ना बन पाए, पीएम मटेरियल ही बन के रह जाएंगे। तो आखिर अब जेडीयू जो ये बातें कर रही है तो आखिर ये कैसे सिद्ध होगा, कहाँ तक जाएगा और कब होगा, ये बातें हम आपको बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार कैसे पीएम बनेंगे और बिहार की सियासत में क्या कुछ उल्टा पुल्टा होगा। तो आपको बताएं कि थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में सबसे खास जो सबसे बड़ा राज्य है यूपी,
यूपी पर तमाम दलों की नजर है और जेडीयू भी पीछे नहीं है, और जेडीयू शायद यूपी चुनाव का ही इंतजार कर रही है। स्नेहा, यूपी चुनाव में जेडीयू ने प्रस्ताव दे दिया है बीजेपी को कि बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़ना चाहती है, यानी एक हिस्सेदारी चाह रही है। कल भी जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें साफ कह दिया गया कि एक उचित एनडीए के अंदर रहते हुए एक उचित हिस्सेदारी जो होती है, बनती है पार्टियों की, वो उन्हें मिलनी चाहिए। यानी यूपी में भी एक अच्छी खासी सीटें चाहते हैं नीतीश कुमार, तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें अधिकृत किया गया है। तो ये एक कहा जाए कि यूपी चुनाव को लेकर एक अब आगे अभी फिलहाल तमाम दल हैं, चाहे अगर नीतीश कुमार की ही बात करें तो वो यूपी चुनाव पर नजर टिकाए हुए हैं। यूपी चुनाव होने के बाद ही कोई बड़ा खेल होगा इसमें, ये भी हम आपको बताएं दर्शकों को, और क्या खेल होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल यूपी चुनाव तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा, लेकिन बिहार की सियासत में यूपी चुनाव के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अनुराग, आपको बता दें कि यूपी चुनाव के लिए प्रस्ताव तो बीजेपी को दे दिया गया है जदयू की तरफ से, लेकिन चेतावनी भी दी गई है। आज बीजेपी के जदयू के नेता की तरफ से बयान दिया गया है कि अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है यूपी में, तो सबसे बड़ी बात कही गई है कि और हम अकेले चुनाव लड़ते हैं जदयू से तो यूपी के अंदर, तो 2012 वाला हश्र हो जाएगा बीजेपी। बिल्कुल, एक तरह से धमकी भरे अंदाज में बता दिया गया, सियासत है ये, सियासत में चाहते हैं नीतीश कुमार। हालांकि देखिए, ये तमाम चीजें अभी फिलहाल जो हो रही हैं वो यूपी चुनाव के मद्देनजर ही हैं। तमाम पार्टियों की नजरें हैं, यूपी बड़ा स्टेट है और यूपी में जो जाति आधार पर चुनाव होते हैं, जात और धर्म के नाम पर जो चुनाव लड़े जाते हैं, तो उसके आधार पर तमाम पार्टियों का दावा भी बनता है। और नीतीश कुमार जिस जात जमात से आते हैं तो उसकी भी एक अच्छी संख्या है यूपी के अंदर, तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों की इच्छा है और जेडीयू ने साफ साफ इच्छा जाहिर कर दी है। और यूपी चुनाव के बाद क्या कुछ खेल होगा हम ये बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि यूपी चुनाव के बाद क्या होगा। जैसा कि आपने कहा कि तेजस्वी यादव की तारीफ करते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, पिछले दिनों जिस तरह से उनके बीच की बॉन्डिंग दिखी, दोनों नेता साथ गए, पीएम मोदी से मिले और पीएम मोदी से मिलकर जाति आधारित जनगणना की मांग की, और नीतीश कुमार कहते नहीं थक रहे थे कि इनके कहने पर मैं आया हूँ, यानी कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है वो तेजस्वी यादव को देते दिख रहे थे। तो देखिए, नीतीश कुमार दरअसल सीएम तो जरूर बन गए हैं, लेकिन पार्टी उनके साथ जो खड़ी है वो बड़ी पार्टी है, और उस बड़ी पार्टी के साथ वो असहज महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को असहज किया भी जा रहा है बीजेपी के बयानों की तरफ, बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है या बीजेपी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं नीतीश के मन में ये तैर रहा है कि बीजेपी के साथ इस तरह से बहुत लंबी पारी नहीं खेली जा सकती। आपको याद होगा जो 2015 में भी चुनाव हुए थे तो तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ था, लालू यादव के साथ असहज हो गए थे नीतीश कुमार, तो असहजता की स्थिति बीजेपी के साथ भी बन रही है। और कहीं ना कहीं इधर लालू प्रसाद यादव के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से साथ जा रहे हैं, नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, उन्हें प्रस्ताव दे रहे हैं, नीतीश कुमार प्रस्ताव स्वीकार भी कर ले रहे हैं और पीएम से मिलने भी जा रहे हैं, तो इन तमाम बातों के मद्देनजर इसने यहाँ समझा जा सकता है कि यह सियासत जो है किस करवट ले रहा है। और आज कुशवाहा का जो बयान उसमें अगर जोड़े तो समझ सकते हैं कि क्या सियासी खिचड़ी पक सकती है आगे भविष्य में। हालांकि हमने आपको बताया कि यूपी चुनाव तक इंतजार करना होगा, क्योंकि यूपी चुनाव के पहले कुछ भी कोई भी पार्टी कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी, लेकिन यूपी चुनाव के बाद ये जो पीएम मटेरियल वाली बात है वो सिद्ध होनी शुरू हो जाएगी। तो कैसे होगी, तो मान लीजिए कि जिस तरह से हम बता रहे हैं, एक समीकरण है जो समीकरण की चर्चा है, और यूं ही नहीं चर्चा है, नीतीश कुमार कैसे पीएम मटेरियल हैं और कैसे पीएम बनेंगे, तो पीएम बनाएंगे उनको लालू यादव, नीतीश कुमार को पीएम लालू यादव बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ये भी समझ गए होंगे दर्शक भाई, जब वो पीएम बनाएंगे तो उसके बदले में अपने बेटे को सीएम बनाएंगे, तभी तो कोई सौदा होगा, ये राजनीतिक सौदा अगर कहा जाए। तो नीतीश कुमार और लालू यादव की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, और लालू यादव जो ये समीकरण जो देख रहे हैं, हालांकि तमाम जो चीज़ें हैं यूपी चुनाव के बाद कुछ बदलाव जिस तरह से होगा, तो उसमें नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, उसमें लालू यादव खड़े होंगे साथ साथ, और भी कई पार्टियां होंगी, अखिलेश यादव जो सपा है, लालू यादव के संधि भी हैं, मुलायम सिंह यादव, हालांकि जो तमाम पार्टियों की विचारधारा एक जैसी है, उसके अलावा और भी कई पार्टियां स्नेहा साथ आएंगी, और हो सकता है अगर कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस की बात नहीं कहा जा सकता, कांग्रेस को अलग रखे तो एक तीसरा धड़ा जो तैयार हो रहा है, जो लालू यादव या फिर अखिलेश यादव या फिर अगर
और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं बात करें, अगर बिहार में जीतन राम मांझी हैं जी वो नीतीश के साथ खड़े होंगे, उसके अलावा जो चिराग पासवान के गुट के उनके चाचा जो टूट कर आए हैं वो गुट भी नीतीश कुमार के साथ खड़ा होगा। तो इस तरह से ये जो तमाम गुट है कहीं ना कहीं नीतीश के पक्ष में खड़ा होगा, एक गोलबंदी होगी और नीतीश कुमार पीएम पद की रेस में आएंगे आ जाएंगे। और इधर बिहार में समीकरण बदलेगा, तो हमने आपको बताया कि जब उधर नीतीश पीएम मटेरियल बन जाएंगे, पीएम पद की रेस में जाएंगे, तो इधर बिहार की सत्ता बदलेगी, तो स्वाभाविक है कि लालू यादव के साथ फिर से एक बार गठबंधन होगा, तो नीतीश कुमार सीधे सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। और सबसे बड़ा जो फैक्टर, जो कुशवाहा, जो इस तमाम मिशन को अंजाम दे रहे हैं इसने, आप देख ही रही हैं कि किस तरह से ये मिशन चल रहा है, और मिशन नीतीश का ऐलान भी कर दिया है जेडीयू ने, कहीं ना कहीं मिशन नीतीश के बहाने पीएम बनाने की ही ये तमाम तैयारियां हैं नीतीश कुमार की। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार एक लंबी पारी खेल चुके हैं बिहार के अंदर, सीएम रह चुके हैं, लंबे समय से सीएम हैं, और अब शायद सीएम के बाद बचता क्या है तो उनके लिए पीएम जी। तो अब वो पीएम बने और शायद जो युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, हालांकि ये तमाम जो कयास हैं, और कयास यूं ही नहीं है, ये राजनीतिक कयास हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये इनको बल मिल रहा है, कुशवाहा का बयान भी सामने आ गया है, और जो मुलाकातें हो रही हैं, और जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुहर लगा दी जा रही है प्रस्ताव पर कि नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल है, तो केवल पीएम मटेरियल बना के तो नहीं रखेंगे, पीएम बनाने की कोशिश भी तो करेंगे जी। तो कोशिश आखिर कैसे होगी, हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि कुशवाहा एक बड़ा फैक्टर होंगे, अगर तेजस्वी सीएम बने तो कुशवाहा डिप्टी सीएम बनेंगे जेडीयू की तरफ से। और एक ये नया समीकरण, हालांकि समीकरण नया नहीं कह सकते हैं क्योंकि पहले भी सात सरकार चला चुके हैं, पर इस बार नया होगा कि नीतीश पीएम पद की रेस में होंगे और सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम बनेंगे कुशवाहा। तो कुछ इस तरह के समीकरण, इस तरह के हालात बनेंगे जैसा कि तमाम तरह से क्यास लगाए जा रहे हैं। और इसकी लाइजनिंग, आप लालू यादव अगर दिल्ली में बैठे हैं तो यूं ही नहीं बैठे हैं, आप तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश भी जो है, जो जैसा कि खबरें हैं सूत्रों के अंदर से कि नीतीश कुमार भी उनके संपर्क में है लगातार, और इस तरह की जो समीकरण तैयार किए जा रहे हैं कि यूपी चुनाव के बाद क्या कुछ होगा उस पर नजरें हैं तमाम नेताओं की, और उसके बाद एक नया समीकरण जो तैयार होगा उसमें अगर हो सकता है कि अगर ममता बनर्जी या फिर जो उड़ीसा के सीएम हैं जो वो भी आ सकते हैं, साथ खड़े हो सकते हैं, अगर नीतीश कुमार का एक बड़ा कद है, बड़ा पद है, सब कुछ है, तो ये तमाम बातें हैं, इसके लिए तमाम तरह की लाइजनिंग चल रही है। तो अब जो है यूपी चुनाव के बाद बिहार में बड़ा खेल हो सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार पीएम पद की रेस में आ जाएंगे और इधर सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम बनेंगे कुशवाहा। तो समीकरण बदलेंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी बार बार नीतीश कुमार को नीचा दिखा रही है तो नीतीश कुमार भी चुप नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार चुप नहीं बैठने वाले हैं, और यूपी चुनाव के बाद बड़ा खेल होने वाला है, सीधा सीधा बीजेपी को टक्कर देने जा रहे हैं नीतीश कुमार, पीएम मोदी को टक्कर देने जा रहे हैं। देखने वाली बात होती है कि आखिरकार यूपी चुनाव के बाद जो भी समीकरण बनने वाले हैं वो नए समीकरण, नया जो कयास लगाया जा रहा है वो क्या कुछ रंग लाता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।